ये भी आपको मिल जाएगा। इसकी क्या क्या प्राइस है भाई? अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी, आपकी भरपूर रिक्वेस्ट पे एक दफ़ा फिर आपके यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो लेके आ चुकी हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि जी आप भी रेजिन आर्ट का सामान दिखाइए, उसके अलावा कैंडल मेकिंग का सामान दिखाइए। तो आज की मुकम्मल वीडियो इन तमाम सामान के हवाले से है। बहुत अच्छी वैरायटी है, तमाम चीज़ें आपको एक ही दुकान पे मिल जाएंगी और बहुत अच्छी और रीजनेबल प्राइस में भी है। उसके अलावा क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। और एक और ज़रूरी बात वो ये है कि जी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी रेजिन का सामान लेना हो या पेंटिंग की चीज़ें लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं और ये वीडियो उनके लिए भी काम आ सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स में और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं वो इस तरह के सामान के तलाश में हैं और वो लेना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी आपकी की ये बहुत ही हम्बल से रिक्वेस्ट है। उसके अलावा चैनल पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरीके की जबरदस्त जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो में आपको ऑनलाइन नंबर भी मिल जाएगा और एड्रेस भी मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वही शॉप है जिसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन के सामने कौसर फाइन आर्ट के नाम से ये शॉप है, हुसैनाबाद पे है। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि जी वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कहाँ है, तो वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन हुसैनाबाद कराची में है। बहुत ही आसान सा इसका एड्रेस है, सब लोग जानते हैं कराची में। तो चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे दोबारा से मैं रेजिन आर्ट के सामान के लिए इस शॉप पे आई हूँ। अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं इस शॉप की पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल रेट में यहाँ पर सामान मिल जाता है हर तरह का। पेंटिंग के अलावा यहाँ पर रेजिन का सामान भी मिलता है, कैंडल मेकिंग का सामान भी मिलता है, उसके अलावा ज्वेलरी मेकिंग का सामान भी मिलता है। बट आज हमारे जो बेसिक चीज़ है वो है रेजिन का सामान। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी। चलिए जी शुरू करते हैं रेजिन के सामान की इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आपको दे देंगे कि क्या क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो ना डिलीवरी चार्जेस और डिलीवरी के हिसाब से ना गाइड कर दीजिए, एड्रेस भी बता दीजिएगा। कौशल फाइन आर्ट के नाम से शॉप है और ये शॉप का कार्ड है अब्दुल रजाक वाला, इस पर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, पेज भी बना हुआ है फेसबुक पर। ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, कौसर फाइन आर्ट्स के नाम से इनकी शॉप है, वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, उसके सामने यहाँ पर ये शॉप है। यहाँ पर आपको कौसर फाइन आर्ट मिल जाएगी, नंबर आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, वो मैं शो कर दूँगी। ये इनका कार्ड है और उसके अलावा जी ये डिलीवरी भी करते हैं, तो डिलीवरी के लिए बताएं, कैश ऑन डिलीवरी है? कैश ऑन डिलीवरी भी है कराची वालों के लिए? कराची नहीं, नहीं बाहर वालों के लिए। बाहर वालों के लिए भी कि जी मंगवाएं और फिर उसी वक्त जब सामान पहुंच जाए तभी डिलीवरी चार्जेस हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। कैश ऑन डिलीवरी पूरी पाकिस्तान के लिए है, पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवर करते हैं, आप लोग कहीं पर भी मंगवा सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, आप लोगों ने नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है और फिर इनसे सामान मंगवा लेना है। और उसके अलावा जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो बता दीजिए किस तरीके से होते हैं? वो एरिया वाइज होते हैं, एरिया वाइज होते हैं और जितना सामान लोग मंगवाते हैं उस हिसाब से होते हैं। तो अब आप लोग देख लीजिएगा डिलीवरी चार्जेस, इनसे कंफर्म कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा फेसबुक पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है। ठीक है जी, आप कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास फेसबुक नहीं है इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करें या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। शॉप की टाइमिंग क्या होती है? सुबह 10 से रात। अच्छा, रात तक कितने बजे? 9 बजे तक। ठीक है जी, ये शॉप की टाइमिंग भी इन्होंने बता दी। संडे को भी खुला होता है? संडे क्लोज। अच्छा, संडे क्लोज होता है। चलिए जी, रेजिन का सामान यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा निकाला हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते हैं, आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है और इनसे रब्ता ज़रूर करना है। सबसे पहले तो रेजिन के बारे में बता दीजिए। ये रेजिन और हार्डनर है, 1.5 लीटर का है। अच्छा, 1.5 लीटर का है रेजिन और हार्डनर। कंपनी आप लोग देख लीजिए व्यूअर्स, और एक ये इससे छोटा साइज है। अच्छा, ये इससे छोटा साइज है। ठीक है, इसकी क्या क्वांटिटी है? 750, 500 रेजिन है और 250 हार्डनर है, यानी ग्राम के हिसाब से बता रहे हैं आप। ये देख लीजिए, ये छोटा है और ये बड़ा है, आप लोगों को आराम से नजर आ रहा होगा बड़े छोटे में फर्क। एक रेजिन है और एक हार्डनर है, अगर आप लोग काम करते होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये क्या चीज़ है। तो ये इनकी प्राइस बता दीजिए, सबसे पहले इसकी प्राइस बताइए। ये 3,800 रुपये का है। अच्छा, ये और ये 2,200 रुपये का है। ठीक है जी, 2,200। और एक ये इससे छोटा साइज है। अच्छा, इसमें कितनी रेजिन होगी और हार्डनर होगा? रेजिन 100 ग्राम होगा और हार्डनर 50 ग्राम होगा। अच्छा, ये दिखा दीजिए व्यूअर्स, आप लोग ये देख लीजिए, इस तरीके से पार्ट ए और पार्ट बी रेजिन और हार्डनर है। इसकी क्या प्राइस है भाई? 500। देखिए, आपको अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो ये वाला भी बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल पॉक्सी के नाम से, बहुत अच्छा ब्रांड है
और उसके अलावा एक और ब्रांड के भी इनके पास आपको रेजिन और हार्डनर मिल जाएंगे। ये वाला ब्रांड देख लीजिए, ये मैजिक कंपनी का है, 750 ml है। अच्छा, ये भी 2200 रुपए का है। 2200 रुपए का, यानी वही प्राइस है, कंपनी चेंज है। ये देख लीजिए आप लोग, और इसमें छोटी क्वांटिटी नहीं मिलती, छोटी क्वांटिटी भी मिलती है, उसकी प्राइस बता दीजिए। वो भी 500 का इतनी है, 500 का यही क्वांटिटी है। चले जी, उसकी प्राइस आप लोगों ने देख ली, ये रेजिन हो गया। अब इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि रेजिन में यूज़ होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाएंगे, डेकोरेशन वगैरह के लिए और जितना भी सामान रेजिन में यूज़ होता है वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे। आप लोगों ने रेजिन देख लिया, इसकी प्राइस देख ली, अब उसके अलावा आपको और भी चीज़ें बता देंगे। चले जी भाई, और चीज़ें बताइए। बाकी ये मग होता है जिसमें मिक्सिंग होती है, एमएल वाला मग है। अच्छा, ये देख लीजिए आप लोग, मेजरिंग कप है व्यूअर्स, ये देख लीजिए, ये मेजरिंग कप है और इस पे इस तरीके से लिखा हुआ है। ये रेजिन की मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है। काफ़ी सारे कस्टमर भी यहाँ पर आए हुए हैं और ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, खुद आके भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सामने आपको मेमन फाउंडेशन के सामने मिल जाएगी, कराची में ये शॉप है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर शॉप है ये। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है भाई? ये 200 का है, 200 का है, सिंगल 200 का है। ये देख लीजिए, अगर आप लोग डिस्पोजेबल ग्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, मगर यहाँ पर है नहीं, तो ये मेजरिंग कप यहाँ पर ये सेल करते हैं। उसके अलावा रेजिन में और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? कलर्स होते हैं, इनकी क्लॉक वगैरह में जो नीचे बेस लगती है ये वो है। अच्छा, ये बेस होती है जो क्लॉक में यूज़ होती है। ये देख लीजिए, ये बेस है जो कि यूज़ होती है क्लॉक में। इसकी क्या प्राइस है? कंपनी है ये, 250 का एक है। अच्छा, ये देख लीजिए, आपको कंपनी दिखा देती हूँ, वही कंपनी है जो कि रेजिन की कंपनी है, क्रिस्टल पॉक्सी के नाम से। और 150 का एक है, 250 का एक है, ये देख लीजिए 250 का है, सिंगल आपको ये मिल जाएगा। ये हो गया साइड पे, ग्लिटर होते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, ग्लिटर देख लीजिए जो कि रेजिन में यूज़ होते हैं। ये देख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रेजिन में यूज़ होती हैं, क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं, मार्बल्स यूज़ होते हैं। ये देख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं जो कि रेजिन में ही इस्तेमाल होती हैं। क्या प्राइस इनकी? 70 का एक है ये, 70 का एक है। कोई सा भी कलर, कोई भी कलर आप ले लें इसमें। अच्छा, ये देख लीजिए, 10 कलर मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया भाई। उसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर, फ्रेश ग्लास होते हैं, ग्लास हैं। अच्छा, ये फ्रेश ग्लास है, ये देख लीजिए, क्रश ग्लास है। इसमें कलर्स भी मिलते हैं, कलर्स में भी है। अच्छा, ये 3 कलर हैं, एक चार कलर हैं और एक ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट है और ये 4-5 कलर हैं, ये देख लीजिए, पिंक है, इस तरीके से ब्लैक और ग्रेइश टाइप का है, ये जो है ब्लू टाइप का है, और इसके अलावा ये येलो है। क्रिस्टल ग्लास है ये जो पूरा पैकेट है। इसकी क्या प्राइस है? 100 का एक पैकेट है और ये बोतल 70 की है। अच्छा, 100 का एक पैकेट है और ये बोतल भी आप देख लें, बोतल में अगर आपको चाहिए हो तो ये 70 की है। अच्छा, जब ये आप किसी और सिटी में भेजेंगे तो ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, पैक करके भेजेंगे, प्रॉपर आपको पैक करके। अच्छा, मैं ज़रूर इनको बताना है कि आप लोग वीडियो देख के आए हैं और फिर ये आपको डिलीवर भी कर देंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है जो कि रेजिन में ही यूज़ होता है, ये आपको दिखा देती हूँ। क्रश ग्लास आपको दिखा दिए, उसके अलावा और भी बहुत सारे डेकोरेशन की चीज़ें यूज होती हैं, ये देख लीजिए। बाकी ये होते हैं फ्लावर वाले हैं जी, ये ड्राई फ्लावर। अच्छा, ये देख लीजिए, ये ड्राई फ्लावर है, पैकेट में होते हैं और ऐसे इसी तरीके से मिलते हैं जी। ये पेंडेंट वगैरह में एक एक पीस डालते हैं ना, जो पेंडेंट्स हो गया, रिंग हो गई इसमें। अच्छा, ठीक है। इसकी क्या प्राइस होगी? ये 650 का है, 650 का। अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं और भी वैरायटी मिल जाती है ये वाले हैं। अच्छा, ये यही है, उसके अलावा ये और ड्राई फ्लावर्स हैं, ये देख लीजिए, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्लावर्स हैं, ऐसे पैकेट है, ये ऐसे बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्या प्राइस है इसकी? ये 800 का है, ये 700 का है। अच्छा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, 800 700, आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये आपको बता देंगे। ये फ्लावर्स भी हो गए, क्रश ग्लास भी हो गए, रेजिन भी हो गया, क्रिस्टल भी हो गया। अब ये क्या चीज़ है? ये भी चंक से स्टार वाले। अच्छा, चंक से स्टार वाले, बटरफ्लाई वाले भी मिलते हैं अक्सर, और भी बहुत सारे डिफरेंट चंक्स मिलते हैं, ये हार्ट वाले हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, ये देखें हार्ट वाले हैं, ये मिक्स है, 550 का है। अच्छा, ये सारे 550 के जी, मुकम्मल पूरा, ये पूरा सेट देंगे। अच्छा, ये देख लीजिए, इसमें बहुत सारे बॉक्स हैं, ये पूरा का पूरा आपको सेट 550 का देंगे, काफ़ी अफोर्डेबल है। उसके अलावा इसकी क्या प्राइस है? 350 के हैं ये सारी बॉटल्स में। अच्छा, ये जितने भी हैं ये आपको 350 के मिलेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। ये आपको चंक्स वगैरह भी दे देंगे और क्रिस्टल भी दे देंगे। उसके अलावा ये जो आ गए रेजिन में यूज़ होने वाले मीका पाउडर, ये देखिए, एक बोतल है, एक बोतल सिंगल बोतल मिलेगी 50 की एक है। आप पूरा पैकेट चाहें, पूरा पैकेट भी। अच्छा, पूरा पैकेट भी ले सकते हैं, 50 की एक है। अगर आपको एक लेनी है, सिंगल कलर यूज़ करना है, तो ये मीका पाउडर की एक बोतल आपको 50 की मिल जाएगी। ये रेजिन का तमाम सामान मैंने दिखा दिया है। उसके अलावा
अच्छा ये देख लीजिए, रेजिन में मोल्ड्स भी यूज़ होते हैं, मोल्ड्स वगैरह भी आपको आगे दिखाएंगे। और उसके अलावा ये इसकी प्राइस बता दी, 50 का एक है, पूरा पैकेट भी ले सकते हैं आप। और एक ये होते हैं, ये पिगमेंट कलर होते हैं लिक्विड वाले। अच्छा ये कुछ डिफरेंट है जी, ये लिक्विड में है, लिक्विड मैट होते हैं और वो मेटेलिक होते हैं, ये मैट है। अच्छा ये मैट है, वो मेटेलिक है, डिफरेंस आपको पता होगा अगर आप काम करते हैं। और उसके अलावा ये देख लीजिए मेटेलिक कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। एक बोतल कितने तक की मिलेगी? एक बोतल है 80 की। अच्छा जब कोई ज़्यादा सामान मंगवाए तो उसको कोई डिस्काउंट करेंगे आप? रेट होते हैं रिजनेबल हैं, आप भले जितना भी मंगवाएं रेट होते हैं। अच्छा जी रिजनेबल रेट हैं, आप लोग जितना भी सामान मंगवाएं आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में ये दे देंगे। ये देख लीजिए ये आपको मिल जाएंगे, ये मेटेलिक में नहीं है, ये जो है ना लिक्विड में, वो मेटेलिक में दिखा दिए थे। उसके अलावा और कौन सा सामान रेजिन में यूज़ होता है? अच्छा ये देखिए इन्होंने काफ़ी और चीज़ें निकाली हैं। ये बेजल की बेस होती है, ये 10 पीस की बेस होती है, बेजल की बेस। अच्छा जी ये देख लीजिए व्यूअर्स, ये एक और नई चीज़ निकाली है, इसमें भी रेजिन का काम होता है? जी रेजिन का काम होता है, नीचे टेप लगती है, इसके ऊपर रेजिन का काम होता है। अच्छा ये देखिए लॉकेट वगैरह में काम आते हैं, लॉकेट वगैरह में। और इसमें आप अच्छा ये देख लीजिए ये लॉकेट वगैरह के काम आती है। ये सिंगल मिलेंगी या पैकेट? सिंगल भी मिल जाएगी आपको, 40 की एक है, अगर पैकेट लेना चाहें तो 400 का पैकेट है। 400 का पैकेट है, उसमें कितने होंगे ये? 10 होती है। 10 होंगे, ये देख लीजिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, स्टार्स हैं, इस तरीके से है, इस तरीके से है। 40 का एक है, सिंगल लेना चाहेंगे तो सिंगल भी मिल जाएंगे। अच्छा ऐसे ही सिंगल बहुत सारे लेना चाहें ये भी मिल जाएंगे। चले जी आपको एक ही साइज़ में एक ही शेप में सिंगल बहुत सारे भी मिल जाएंगे। पैकेट इन्होंने बता दिया है 400 का है, और गोल्डन और सिल्वर है खाली। ठीक है जी गोल्डन और सिल्वर है, ये देख लीजिए ये जी ज़बरदस्त हो गया, ये भी रेजिन में बड़ी अच्छी चीज़ इनके पास यहाँ मिल जाएगी। आगे उसके अलावा कौन सा सामान होता है? बाकी ये गोल्ड फ्लेक्स होते हैं। अच्छा। ये शीट में गोल्ड फ्लेक्स शीट में है जी, और एक ये जार है गोल्डन और सिल्वर, ये क्रश है। अच्छा ये बॉटल में भी होते हैं शीट में भी होते हैं, ये देख लीजिए व्यूअर्स, ये बॉटल में होगा गोल्ड फ्लेक्स और ये शीट में होगा। ये शीट में से दिखा दीजिए कितनी शीट होंगी एक पैकेट? 12 शीट्स हैं इसमें। 12 शीट होंगी, और क्या प्राइस होगी? 300। ठीक है जी ये प्राइस इन्होंने बता दिया। और इस पैक इस बॉटल में क्या प्राइस होगी? ये 200 का। अच्छा 200 की पूरी बॉटल मिल जाएगी। इस तरीके से लेनी है चंक्स बने हुए तो ये भी आपको मिल जाएंगे, शीट लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। ये रेजिन में डिफरेंट डिफरेंट और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, आपको यहाँ पर और भी वैरायटी मिल जाएगी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? बाकी फ्लेम गन्स होती है। हाँ गन्स भी दिखा दीजिए, ये देख लीजिए लाइटर होता है बबल्स वगैरह हटाने के लिए, ये वो है। हाँ ये देख लीजिए व्यूअर्स। अच्छा ये जो ये ख़राब भी हो जाता है क्या समटाइम्स? नहीं ख़राब नहीं होता नहीं। ये इसकी क्या प्राइस है? 450। 450 का ये लाइटर है जो कि रेजिन में यूज़ होता है बबल वगैरह हटाने के लिए। ठीक हो गया। और क्या मोल्ड होते हैं? मोल्ड दिखा दीजिए। चले जी अब आपको मोल्ड दिखाते हैं। इंक अल्कोहल इंक जो रेजिन वगैरह में यूज होती है। ये क्या चीज़ है? अल्कोहल इंक होती है, रेजिन में यूज होती है ये। अच्छा। रेड है, सिल्वर है, ये देख लीजिए येलो है, ब्राउन है, पिंक है, ये तमाम अल्कोहल इंक। एक की क्या प्राइस होगी? 250। कोई से भी कलर में मिल जाएगी जी। अच्छा जी आपको कलर्स में मिल जाएगी, ये हो गया। ये भी क्रिस्टल पॉक्सी ब्रांड की है, ये अल्कोहल इंक है। ठीक हो गया, ये भी रेजिन में यूज होता है। उसके अलावा क्या वैरायटी है? मोल्ड वगैरह भी दिखा दीजिए भैया। मोल्ड है। अच्छा जी ये मोल्ड आ गए हैं, रेजिन के तमाम सामान के बाद आप लोगों को मोल्ड भी दिखा रही हैं। ये देख लीजिए अल्फाबेट वाले भी हैं, ये रेहल का मोल्ड है, रेहल वाला, ये देख लीजिए व्यूअर्स सिलिकॉन के मोल्ड हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में होते हैं, बच्चियां यहीं से लेके यूज करती हैं। मोल्ड जो होता है स्टेप में जो बनते हैं 3 स्टेप वाली। अच्छा ये वो जो आपको स्टैंड भी मिल जाएगा, स्टैंड भी मिल जाएगा। चले जी इन मोल्ड की प्राइस बता दीजिए, इसकी क्या प्राइस है? ये 2300 का पूरा सेट है, अगर लूज में चाहे तो लूज में भी मिल जाएगा आपको। अच्छा यानी छोटा भी ले सकते हैं, भी बड़ा सकते भी ले। ये 2300, ठीक है जी ये हो गया। और इसका जो स्टैंड है उसकी क्या प्राइस होगी? 700 का। 700 का कंप्लीट स्टैंड मिलेगा, 3 पीस का स्टैंड होगा। अच्छा अच्छा उसके अलावा इस मॉल की क्या प्राइस है? ये 1800 का। ठीक है जी ये देख लीजिए अल्फाबेट है, काफ़ी बड़े हैं आप देख सकते हैं, और छोटे भी मिलते हैं अक्सर लोग वो कर देते हैं छोटा भेज देते हैं, ये काफ़ी बड़े हैं, आपको बड़े से अल्फाबेट्स वाला मोल्ड मिल जाएगा। इसमें नंबर्स भी हैं ये देख सकते हैं, इन्होंने इसकी प्राइस बता दी है। उसके अलावा रहल वाले मोल्ड की क्या प्राइस है? ये भी 1800 का है। अच्छा जी ये देख लीजिए, ये भी मोल्ड देख लीजिए, अच्छी क्वालिटी के मोल्ड हैं और बच्चियाँ यूज़ करती हैं, आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा अगर आप मेमन में कोर्स करते हैं। बाकी ये 3 टीयर मोल्ड का ये स्टैंड है। अच्छा ये सिल्वर और गोल्ड में है, ये देख लीजिए इस तरीके का है,
सिल्वर में भी मिल जाएगा आपको, गोल्डन में भी मिल जाएगा। ये जो ट्रे वाला मैंने आपको मोल्ड दिखाया है, इसी के साथ जो स्टैंड कनेक्ट होता है, और इसकी क्या प्राइस बताई थी? 700। अच्छा जी, ये देख लीजिए, इन्होंने इसकी प्राइस भी बता दी है। ये मोल्ड हो गए, उसके अलावा और तरह के मोल्ड नहीं है? मोल्ड और भी हैं, वो दिखा। अच्छा, रेजिन में और भी मोल्ड हैं आपको? बाकी ये हैंड ड्रिल होती है जो होल करने के लिए काम में आती है। अच्छा, हैंड ड्रिल है। ये देख लीजिए व्यूअर्स, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाई है इन्होंने। ये भी रेजिन में यूज़ होती है, और जैसे अल्फाबेट वगैरह में होल वो होल करना पड़ता है। क्या प्राइस है इसकी? ये 500 की है। ठीक है जी, ये देख लें, ड्रिल मशीन, ये जो हैंड ड्रिल मशीन है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। इस तरीके से है ये, इसमें तीन साइज़ हैं, ये देख लें, ये तीन साइज़ हैं। ये आपको पिक्चर भी भेज देंगे, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके भी इनके पास भेज सकते हैं, प्राइस आप लोगों को पता चल गई है। और उसके अलावा और भी मोल्ड इनके पास? किलो का मोल्ड है। अच्छा, ये देख लें, किलो की मशीन है। अच्छा जी, ये देख लें, इसकी क्या प्राइस है? किलो मोल्ड भाभी जो है 2000 रुपये का ये। ठीक है जी, ये देख लीजिए, इन्होंने इसकी प्राइस बता दी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये मशीन की क्या प्राइस है? 150। अच्छा, ये इसकी जो सुइयाँ हैं ये ख़राब तो नहीं होती? नहीं, जैसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो सीधी कर सकते हो जाती हैं। ठीक है जी, ये मशीन भी दिखा दी है क्लॉक की, और ये मोल्ड भी दिखा दिए हैं। मोल्ड इन्होंने बहुत सारे दिखा दिए हैं। ये रेजिन का सामान हो गया, और कुछ वैरायटी होती है रेजिन के सामान में? एक ये फ्लावर वाला मोल्ड है। अच्छा जी, ये वाले मोल्ड है। प्राइस भी बताते जाइए, इसकी क्या प्राइस है? ये 550 का है। अच्छा, ये 650 का है। अच्छा, ये पेंडेंट वगैरह बनाने के लिए है। ये देख लीजिए व्यूअर्स, ये पेन का मोल्ड है। इसकी क्या प्राइस है? ये 650। अच्छा, और ये देखिए, ये पेन मोल्ड है, 250 का है, दो रिफिल्स के साथ। अच्छा, दो निब्स वगैरह भी हैं जो रिफिल होती हैं, और ये पेन का मोल्ड है, इसकी प्राइस भी इन्होंने बता दी है। बाकी ये भी है पेंडेंट वाली, ये 650 की है। अच्छा, ये देख लीजिए, ये बड़ा प्यारा सा मोल्ड है, इसमें पेंडेंट वगैरह आप बना सकते हैं। ये बड़े कोस्टर में फ्लावर है, ये कोस्टर में, ये देखें कितना बड़ा सा कोस्टर है ये। और इसकी क्या प्राइस है? ये 1200 का, ये 1200। ये देख लीजिए मोल्ड्स की इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, और डिफरेंट डिफरेंट बैंगल्स के हैं ये। अच्छा, ये भी रेजिन में यूज होता है? ये भी रेजिन में यूज होती है। अच्छा, इसमें साइज मिल जाते हैं? साइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो थोड़ा बड़ा साइज होगा उसकी प्राइस क्या अलग होगी? जी, वो अलग होगी। अच्छा, ये देख लीजिए, 350 उन्होंने बताया, थोड़ा छोटा साइज है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी ये रिंग की बेस है, ये 500 की है, रिंग का मोल्ड है। ये देखें, रिंग का मोल्ड है, ये 500 का बताया उन्होंने। बहुत सारे मोल्ड्स हैं, ये 250 का है। 250 का, ठीक हो गया। ये देख लीजिए, इन्होंने मोल्ड्स दिखा दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, जो भी रेजिन में मोल्ड यूज़ होते हैं, रेजिन का तमाम सामान आपको इनको पास मिल जाएगा। और इसकी क्या प्राइस है? ये 500 का है। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त सा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मोल्ड है, ये काफ़ी हार्ड भी है, अच्छा सिलिकॉन है इसका, और सिलिकॉन मुझे सही लगा, इसका अच्छा लगा, और मोल्ड भी बहुत अच्छे लगे, वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी है इनके पास। और ये हैंडल है? अच्छा, ट्रे के हैं ये देख लीजिए, ये इसके साथ स्क्रू भी हैं, ट्रे के हैंडल है। 400 प्राइस है इसकी? जी, प्राइस मेंशन है। अच्छा, प्राइस मेंशन है, यही प्राइस है। इसमें सिल्वर भी मिलते हैं क्या? सिल्वर भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो हैंडल होते हैं इनका मोल्ड नहीं होता? नहीं, मोल्ड नहीं होगा। अच्छा, ये देख लीजिए, अच्छा थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा साइज है, 500 का है। अच्छा, ये देख लीजिए, साइज में डिफरेंस है, एक छोटा है एक बड़ा है, प्राइस इन्होंने बता दिया। ये भी रेजिन में यूज़ होता है, रेजिन की जो ट्रे बनाई जाती है उसमें यूज़ होता है। रेजिन के तमाम सामान की वैरायटी इन्होंने दिखा दी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अफोर्डेबल है, और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या विज़िट भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा एड्रेस है, वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन के सामने, कौसर फाइन आर्ट के नाम से। अच्छा चले जी व्यूअर्स, अब आपको इनकी ही शॉप पर मैं कैंडल का सामान दिखा देती हूँ। इन्हीं की शॉप पे आपको कैंडल मेकिंग का सामान दिखा देते हैं। आपको रेजिन मेकिंग का तो दिखा दिया, आप कैंडल मेकिंग का शुरू करते हैं। ये पैराफिन वैक्स है। अच्छा, ये 800 रुपये किलो है, किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से आप पाओ, चाहो पाओ भी मिल जाएगा 200 रुपये का। किस तरीके से? 200 रुपये पाओ। अच्छा, 200 रुपये पाओ भी मिल जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, बाकी ये इसके विक होती है, जो थ्रेड होते हैं इसमें। अच्छा, ये देख लीजिए व्यूअर्स, कैंडल विक है जो कि ये थ्रेड वाली है, ये आपको मिल जाएगी। ये 10 रुपए की एक होती है, 100 की 12 है। अच्छा, 100 की 12 है और 10, ठीक है जी। ये देख लीजिए, कैंडल विक भी हो गई। बाकी एक ये वाले मोल्ड है जो, अच्छा इस वाले मोल्ड में से कैंडल निकालना आसान होता है क्या? जी, निकल जाती है ये। अच्छा, ये देख लीजिए व्यूअर्स, कैंडल मेकिंग में ये मोल्ड भी यूज होते हैं। इसमें डिफरेंट डिजाइन होते हैं या इसमें डिफरेंट डिजाइन होते हैं? ये वाला डिजाइन है, ये देख लीजिए व्यूअर्स,
ये भी आपको मिल जाएगा। इसकी क्या प्राइस हो जाएगी? ये 150 का एक होता है। अच्छा ये देख लीजिए, ये 150 का एक है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है जी, ये बड़ा है, ये देख लीजिए। इसमें इस तरीके के आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे इन मोल्ड्स में, और उसके अलावा सिलिकॉन के मोल्ड्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि कैंडल में ही यूज़ होते हैं। चलिए जी, कैंडल के मोल्ड भी दिखा दीजिए और उनकी प्राइस भी बता दीजिए। अच्छा जी व्यूअर्स, ये कैंडल्स के मोल्ड दिखा रहे हैं, कैंडल वैक्स आपको दिखा दी है, उसके अलावा कैंडल के वो जो चादर टाइप के मोल्ड थे वो भी दिखा दी है। उसके अलावा सिलिकॉन के मोल्ड बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहे हैं कैंडल मेकिंग के सामान पे। आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने इनसे ये वीडियो बनवा रही हूँ। काफ़ी अच्छे इनके पास मोल्ड मिल जाते हैं, ये देखिए। इसकी क्या प्राइस है? प्राइस मेंशन है सब पर। अच्छा सब पे प्राइस मेंशन है, ठीक है जी। ये 650 का हो गया, ये वाला मोल्ड है, ये 600 का है। ये देखिए काफ़ी प्यारा सा छोटा सा मोल्ड है, ये भी आपको मिल जाएगा सिलिकॉन में, अच्छी सिलिकॉन है इसकी। ये कपल है, ये 650 का है, इसमें दो साइज हैं, छोटा भी है इसका। अच्छा इससे भी छोटा है, ये देख लीजिए इतना साइज है। अच्छा साइज जब आप ऑनलाइन सेल करेंगे तो मेंशन करेंगे क्या साइज है? क्योंकि समटाइम्स लोग कहते हैं बहुत छोटा मोल्ड भेज दिया। नहीं, आपको साइज मेंशन कर देंगे। अच्छा साइज मेंशन कर देंगे ये लोग, तो आप लोगों ने साइज देख के मंगवाना है। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और डिफरेंट तरह के डिज़ाइन के इनके पास कैंडल के मोल्ड मिल जाते हैं। वैक्स आपको दिखा दी थी, उसके अलावा चादर वाले मोल्ड दिखा दिए थे। ये देखें जी, ये 400 का है, इसके ऊपर मेंशन है, काफ़ी अच्छी सिलिकॉन है। बाकी एक ये वाला स्क्वायर में, अच्छा ये भी 450 का है, ये देख लीजिए इसका ये साइज़ है, 450 का है, ठीक है जी। और इसके अलावा और जो बबल कैंडल मोल्ड होता है, बबल वाले भी हैं, वो भी दिखा दें। वाले होंगे मेरे पास, अच्छा फ्लावर वाले होंगे, वो भी दिखा दें। अच्छा जी व्यूअर्स, ये बबल कैंडल का मोल्ड है इनके पास, बहुत छोटा सा है, ये आपको 500 का मिल जाएगा। और इनके पास बड़ा भी मिलता है, अभी ख़त्म हो गया है, तो ये देख लीजिए फ्लावर वाला देखेंगे। ये 750 का है, अच्छा 6 पीस का पूरा किट है ये, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये इसकी प्राइस भी इन्होंने बता दिए है। इस तरीके से फ्लावर वाला ये मोल्ड है, कैंडल के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा कैंडल की फ्रेग्रेंस इनके पास होती है, मैंने खुद भी देखी है, वो अभी ख़त्म हो गई, और कैंडल के जो कलर्स होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो ये इनसे प्राइस पूछ लेते हैं, कैंडल की फ्रेग्रेंस की क्या प्राइस होती है? 250 होते हैं, 250 कोई सा भी ले लें, कोई भी आप ले लें, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस आपके पास मिल जाती है। जैस्मिन हो गया, रोज हो गया, मोतिया हो गया, ठीक है जी, ये सारे आपको मिल जाते हैं 250 में। लाइक कितने ml होगी? 100 ml की बोतल होती है, 100 ml, ठीक हो गया जी। बाकी आप उसमें कलर में आप ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा इनके पास कैंडल मेकिंग के कलर इस वक्त नहीं है, खत्म हो गए हैं, तो ये बता रहे हैं कि कैंडल मेकिंग में जब कलर्स आप यूज करते हैं तो उसमें क्रियॉन भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्रियॉन इन्होंने दिखा दिया है, इसकी क्या प्राइस है? 250 का ये, ठीक है जी। आप लोगों ने क्रियॉन से देख लीजिए, देखनी है, जो कि ऑयल पेस्टल के नाम से भी बड़े मशहूर हैं। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड भी दिखा दिए हैं, जो फ्रेग्रेंस भी आपको मिल जाएगी, उसके अलावा आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। आप लोग रब्ता करेंगे तो ये आपको बता देंगे कि कब तक आएंगे, तो आप लोगों ने ज़रूर रब्ता करना है। और मेरे चैनल का भी बताना है कि आप लोग वीडियो देख के आए हैं, तो ये आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं, अफोर्डेबल प्राइस भी होती है। और उसके अलावा जो ब्रश मार्कर होते हैं, अल्कोहल के ब्रश पेन होते हैं, होते हैं, वो भी मेरे पास दूसरे होंगे, कैलीग्राफी वगैरह में जो चलते हैं। अच्छा आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट है मैंने कोशिश की है कि वो पूरी करूँ, कि जी आपको अल्कोहल मार्कर भी दिखा दूँ, कैंडल मेकिंग का सामान भी, रेजिन आर्ट का सामान भी, पेंटिंग का सामान मैंने पहले भी दिखाया था, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, बहुत सारी वैरायटी है, डेकोरेशन में वैरायटी है, उसके अलावा ज्वेलरी मेकिंग की वैरायटी है। अच्छा ये देख लीजिए, ये अल्कोहल मार्कर हैं, ये कितने का सेट है? ये 550 का। अच्छा ये देख लीजिए ब्रश मार्कर हैं, ये देखें इस तरीके से कट भी लगा हुआ है ऊपर और नीचे, इस तरीके से पेन होता है। ब्रश मार्कर भी इनके पास होते हैं, अभी ये कैलीग्राफी मार्कर हैं, इसमें आप देख सकते हैं इतने ही मार्कर हैं, बड़ा सेट भी इनके पास मिलता है। 24 वाला है वो 1100 का है, और ये 12 वाला है 550 का ही है। अच्छा जी।